बात दोस्तों, मजे में। आज हम धोरण कक्षा 4 विषय हिंदी, इसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्को। देखिए बालमित्रों, आपको यहाँ थोड़े हिंदी अक्षर के शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो पहला अक्षर क्या है इसमें? ओ। देखिए ये अक्षर कैसा है? हिंदी का। तो उसके बाजू में है गुजराती का अ। इसके बाजू में हिंदी का अक्षर आर। इसके बाजू में गुजराती का अक्षर आर। उसके बाद ई। उसके सामने गुजराती का अक्षर ई। उसके बाद ई। उसके सामने गुजराती का अक्षर ई। उसके बाद है उ। उसके सामने गुजराती का अक्षर है उ। उसके बाद है उ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? उ। उसके बाद है रु। तो उसके सामने गुजराती का अक्षर है रु। उसके बाद है ए। तो हम इसे क्या बोलेंगे गुजराती में? ए। उसके बाद है ऐ हिंदी में। तो उसके सामने हमने गुजराती में क्या लिखा है? ऐ। उसके बाद है ओ। तो हमने गुजराती में क्या लिखा है? ओ। उसके बाद है औ। तो हमने गुजराती में लिखा है औ। उसके बाद है अं। तो उसके सामने हमने गुजराती में क्या लिखा है? अं। उसके बाद है अह। तो हमने गुजराती में भी क्या लिखा है? अह। अब शुरू हो रहा है हिंदी का कक्का। तो हम इसे क्या बोलेंगे? क। तो उसके सामने गुजराती का क्या आपको अक्षर दिखाई दे रहा है? क। जैसे हम गुजराती में कक्का लिखते हैं, वैसे हमने देखिए बाल दोस्तों, हमने हिंदी में ख कैसे लिखा है? देखिए ख। तो हमने गुजराती में ऐसे लिखते हैं ख। उसके बाद हिंदी का ग ऐसा होता है, तो गुजराती में हम इसे ग लिखते हैं। उसके बाद आ रहा है ख। तो हम गुजराती में इसे ख लिखेंगे और हिंदी में ख ऐसा करेंगे। उसके बाद है च। तो हम हिंदी में कैसा करते हैं? देखिए च। और गुजराती में उसके सामने लिखा है च। हिंदी में च ऐसे करते हैं और गुजराती में ऐसे। उसके बाद है छ। तो हम गुजराती का अक्षर सामने लिखा है हमने छ। उसके बाद आ रहा है झ। उसके सामने गुजराती का झ। उसके बाद ज। तो उसके सामने हमने गुजराती में क्या लिखा है? ज। उसके बाद आ रहा है त। देखिए हमने हिंदी में कैसे त लिखा है और उसके सामने लिखा है गुजराती का त। उसके बाद है ख। और उसके सामने गुजराती का ख लिखा हुआ है। उसके बाद आ रहा है द। और उसके सामने गुजराती का हमने द लिखा है। उसके बाद ध। हमने उसके सामने लिखा है गुजराती का ध। हिंदी में हम ऐसे ध लिखते हैं और गुजराती में ऐसे। उसके बाद आ रहा है अण। हिंदी में हमने ऐसे अण लिखा है और गुजराती में ऐसे अण। इसे हम क्या बोलेंगे? अण। उसके बाद आ रहा है त। तो हमने गुजराती में सामने लिखा है त। उसके बाद आ रहा है थ। हमने उसके सामने गुजराती में लिखा है थ। उसके बाद आ रहा है द। हमने गुजराती में उसके सामने लिखा है द। उसके बाद हिंदी का अक्षर थ। तो हमने सामने गुजराती में क्या लिखा है? थ। उसके बाद हिंदी का अक्षर न। तो हमने उसके सामने गुजराती का क्या अक्षर लिखा है? न। उसके बाद आ रहा है प। हमने गुजराती में क्या लिखा है? प। उसके बाद आ रहा है प। उसके सामने हमने गुजराती का लिखा है प। देखिए बाल मित्रों, यहाँ क और यहाँ क और ये है प। इसको आपका खेल समझ रहे हैं? तो ये इसको हम बोलेंगे प और इसको हम बोलेंगे क। तो प उसके सामने गुजराती का प। उसके बाद आ रहा है ब। तो उसके सामने हमने गुजराती का लिखा है ब। उसके बाद हिंदी का अक्षर ह। उसके सामने गुजराती का अक्षर हमने क्या लिखा है? ह। उसके बाद हिंदी का अक्षर हमने क्या लिखा है? म। और उसके सामने हमने गुजराती का लिखा है म। उसके बाद आ रहा है हिंदी का अक्षर य। उसके बाद हमने लिखा है य। उसके बाद आ रहा है र। उसके सामने हमने गुजराती का अक्षर लिखा है र। उसके बाद आ रहा है ल। उसके सामने हमने गुजराती का अक्षर लिखा है ल। उसके बाद आ रहा है व। उसके सामने हमने गुजराती का क्या लिखा है? व। अब ये क्या है? हिंदी में हिंदी का अक्षर स। उसके सामने हमने गुजराती का अक्षर लिखा हुआ है स। उसके बाद अक्षर है श।
उसके सामने हमने गुजराती क से लिखा है श, उसके बाद आ रहा है स, उसके सामने हमने लिखा है गुजराती क से स, उसके बाद आ रहा है ह, उसके सामने हमने गुजराती क से लिखा है ह, उसके बाद आ रहा है ड, उसके सामने हमने गुजराती क से लिखा हुआ है ड, उसके बाद आ रहा है श, उसके सामने हमने गुजराती क से क्या लिखा हुआ है श, और उसके बाद आ रहा है न, हमने यहाँ गुजराती में क्या लिखा हुआ है न। तो इसी तरह आपको हिंदी और गुजराती के अक्षरों का भेद समझना है और बोलना और लिखना भी है। देखिए बाल बच्चों, यहाँ हिंदी में आपको ककार लिखाई हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमने देखा कि जैसे हमने उसके सामने गुजराती का अक्षर लिखा हुआ था, तो इसमें कई सारे अक्षर, देखिए बाल मित्रों, इसमें कई अक्षर आपको एक समान दिखाई दे रहे होंगे और कई सारे अक्षरों में आपको फर्क दिखाई दे रहा होगा। देखिए जैसे यहाँ अ है, तो हमने गुजराती में अ कैसा दिखाई दे रहा है देखिए आप, उसके बाद ही, उसके साथ में ही, उसके बाद यहाँ क, उसके बाद च, उसके बाद झ, यहाँ झ देखिए, बाद में ड, उसके बाद फ, ऐसे कई सारे अक्षरों में आपको फर्क दिखाई दे रहा होगा। देखिए बाल मित्रों, आप जब हिंदी लिखिए तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें हिंदी का अक्षर कैसे लिखना चाहिए। देखिए हमने यहाँ हिंदी लिखा है और उसके सामने गुजराती लिखा, तो आपको यह ध्यान रखना है कि हिंदी में वो अक्षर कैसा लिखा जाता है और गुजराती में भी कैसा लिखा जाता है, आपको यह ध्यान रखना है।